नमस्कार, मैं संदीप कुमार। जिस तरह से मौसम बदला है तो डेंगू के जो का प्रकोप है बढ़ता जा रहा है, और इसी बातचीत को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। कैथल में डॉक्टर शाह हमारे साथ मौजूद है और बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर, डेंगू के बारे में बातचीत चल रही है, तो डेंगू आखिर होता क्या है? क्योंकि आम तौर पर लोग डेंगू का नाम सुनते हैं तो एक ये महसूस कर लेते, तो पता नहीं क्या होगा। देखिए, डेंगू एक वायरल बीमारी है जो वायरस से होती है। ये जो एक मच्छर होता है जो दिन में काटता है, जिसको हम एनाफिलीजेप्टिकस कहते हैं, ये दिन के अंदर ज़्यादातर दिन में उजाले के अंदर ये मच्छर काटता है, और ये साफ पानी के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। जो इसके लार्वा भी हैं वो भी उसमें मिलते हैं, तो इसकी काटने की वजह से ये बीमारी फैलती है। देखिए, और दूसरे बुखार में डेंगू में क्या फर्क होता है सर? ये एक वायरल ही बुखार है जो आम कॉमन कोल्ड वगैरह या जो हम अदर वायरस फीवर होते हैं उनकी वजह उनकी तरह का होता है। लेकिन इसके काटने से जो बॉडी के सेल हैं, खासकर प्लेटलेट्स हैं, ये कम होने शुरू हो जाते हैं। और आमतौर पे तो इसमें कोई ज़्यादा कमी नहीं आती, लेकिन 6-7वें दिन बुखार होने के बाद इसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो इनमें अगर प्रॉपर तरह से इनका मतलब इलाज ना होए या ना टाइम पे बढ़े, तो इनके अंदर बॉडी के कहीं किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, खासकर मसूड़ों से, पेशाब के रास्ते से, मल के रास्ते से, या फिर जो इनसे तो कोई खास चिंता वाली बात नहीं होती, लेकिन अगर यही ब्लीडिंग ब्रेन में या कई और वाइटल ऑर्गन के अंदर हो जाए तो फिर मरीज की जान को खतरा हो सकता है। तो शुरुआती लक्षण डॉक्टर साहब किस तरह के होते हैं डेंगू के? अगर शुरुआती, अगर मान लो दौर है उसका, भाई डेंगू होने के लक्षण क्या कुछ दिखाई दें ताकि वो समय रहते अपना इलाज करवा पाए? शुरू में पेशेंट को तेज़ बुखार होता है 3-4 दिन बाद, और बॉडी के अंदर दर्द बहुत होती है, खासकर आंखों के पीछे काफ़ी दर्द होती है। 3-4 दिन के बाद बुखार कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन कई बार पेशेंट को लिवर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो उससे उल्टियाँ वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं, और 4-5वें दिन के बाद बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी आनी शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये थोड़े से सीरियस हैं। अगर ये लक्षण आते हैं तो इमिडिएटली अपने नज़दीक के डॉक्टर को चेक कराएं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। तो जिस तरह से लगातार लोग डेंगू के नाम से भयभीत हो रहे हैं, तो एक बार हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि अपने जो शहर में, भाई अपना अपने या फिर अपने हॉस्पिटल में कह लीजिए, भाई किस तरह की व्यवस्था है, कि क्या कुछ जो है कहेंगे इस बारे में, कि जनता को श्योर करें कि किस तरह का इलाज है? देखिए, डेंगू से पहली बात तो कोई डरने की कोई बात नहीं होती। मैंने जैसे बताया कि वायरल डिजीज़ है, जितनी भी वायरल डिजीज होती हैं ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही अपने आप ठीक हो जाती हैं। तेज़ बुखार है तो कोई घबराने की बात नहीं, बुखार की दवाइयाँ जो होती हैं वो ले लें। लेकिन अगर वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा हैं और या बॉडी के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है, जैसे मसूड़ों में आप ब्रश कर रहे हैं तो मसूड़ों के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये अलार्मिंग साइन है, ये देखने चिंता की बात होती है, उस समय आपको दाखिल होने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज नॉर्मली ये घर में ठीक हो जाता है। ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो डालने पड़ जाती हैं, तो वो क्या कुछ होता है सर, वो क्या कुछ इलाज होता है वो? ये एक जो मतलब अपना ब्लड है, बॉडी का नॉर्मल ब्लड है, उसके अंदर ही एक कंपोनेंट है प्लेटलेट, डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, तो ये प्लेटलेट भी एक अलग कंपोनेंट है। तो इनकी आजकल जैसे हमारे हॉस्पिटल में ये उपलब्ध है कि मशीनें हैं जो बॉडी के ब्लड से ही इसको सेपरेट कर लेती हैं, ठीक है जी। तो वो सेपरेट करके पेशेंट के अंदर इसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। तो जिसके जिस बॉडी से हम प्लेटलेट्स लेते हैं, उसका क्या कुछ पहले चेकअप होना ज़रूरी होता है? और दूसरी बात यह है कि वो प्लेटलेट्स देने के बाद वो कितने दिन बाद रिकवर कर लेता है ताकि वो दोबारा प्लेटलेट्स देने के काबिल हो सके? देखिए, ऐसे नॉर्मल हेल्दी जो पेशेंट हैं जिनका ब्लड लेवल ठीक है या उसको कोई बीमारी नहीं है, उनसे ये बड़े आराम से लिए जाते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है कि इससे के इसके निकालने से शरीर के अंदर कोई भी गलत असर नहीं आता, तो जो डोनर है उसको किसी भी किस्म से, किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये उसके अंदर से पूरा ब्लड भी ही नहीं निकालते हैं, उसके कंपोनेंट को निकालते हैं मशीन के द्वारा, तो उसमें कोई कमी, कोई वीकनेस, कोई कुछ नहीं आता, तो इसमें आराम से दे सकते हैं। इसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, बाकी और कोई नहीं। तो पहले ब्लड ग्रुप मैच किया जाएगा, फिर उसका आगे का प्रोसीजर वो तो रहेगा? देखो डिफरेंट टेस्ट होते हैं ना, ब्लड ग्रुप होएगा, उसके बाकी टेस्ट वगैरह होते हैं, काला पीलिया तो नहीं है, एड्स तो नहीं है, ये डिफरेंट तरह के जैसे मतलब वायरल टेस्ट हैं ये करे जाते हैं, उसके बाद ही ब्लड स्प्लेटर लिए जाते हैं। ऐसे नहीं है, इसका प्रोसेस है कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज के
से ग्रस्त तो नहीं है डोनर, वो तो नहीं है कि उसको हम डेंगू के लिए ब्लेडर दे दें और साथ में वो एड्स की बीमारी ट्रांसमिट कर दें, तो इससे पैर टेस्ट किए जाते हैं। तो इस तरह की सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है। तो सर अगर बात करें तो अपने हॉस्पिटल में कितने मरीज अक्सर आते हैं अंदाजा? इस समय तो काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं डेंगू के, डेंगू और उसके टेस्ट करके ही काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, तो हम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि सर शुरुआती लक्षणों में वो पहचान करके, क्योंकि रोकथाम बहुत ज़रूरी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो जरूरी है रोकथाम कि आप अपने घर में या घर के इर्द गिर्द कोई भी पानी खड़ा ना होने दें, जहाँ पे पानी कूलर वगैरह पड़े हैं या मतलब कोई पुराने बर्तन पड़े हैं, वैसे टूटे हुए बर्तन पड़े होते हैं, घड़े पड़े होते हैं, आपके जो टायर हैं या ट्यूब टायर पड़े होते हैं पुराने, उनके अंदर पानी बरसात का खड़ा होता है, तो वो सफाई कराएं, पानी खड़ा ना होने दें, टाइम टू टाइम अपने कूलर का पानी बदलते रहें, जो भी टंकी हैं पानी की ऊपर छत पे वहाँ पानी खड़ा तो नहीं है या पानी वहाँ पे पानी का रिसाव तो नहीं है, तो उसको वो ख़त्म करें। उसके बाद सुबह शाम ज़्यादातर ये जो होता है सुबह और मतलब सवेरे, ये मान लो कि 6 से लेकर 8 बजे तक और शाम को 4 से लेकर 6-7 बजे तक, इस समय जो मच्छर काटता है इसके दौरान आप मच्छर से बचने के जैसे उपाय हैं, और बच्चे हैं जो उनको स्कूल में जाते हैं तो उनको फुल स्लीव शर्ट पहन पहनाएँ, ट्राउज़र मतलब हाफ स्लीव आप नहीं पहने, फुल पहन के जाएँ, जुराब्स वगैरह लें, बॉडी को कवर कर करके, तो ये इनके हैं मेन मेन। तो सर एक बार एक बात और हम जानना चाह रहे थे कि जो वायरल है, जिस तरह से डेंगू की बात कर रहे हैं हम, तो डेंगू की बात करें तो अक्सर क्या बॉडी इफेक्ट भी होता है कुछ भाई, कोई अगर कोई युवा है तो वो जल्दी जो है रिकवर कर लेता है, बच्चा है उसमें कुछ ऐसा होता है सर? तो डेफिनेटली जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो नेचुरली वो थोड़ा जल्दी रिकवर कर जाएगा, जो जिनके जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो कमज़ोर हैं, तो नेचुरली उनको ज़्यादा मतलब हो जाता है, तो मतलब फ़र्क इसी का तो है ही है। बाकी ये तकरीबन सभी ही टाइप के लोगों को इन्फेक्ट कर जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ये डिपेंड करता है कि मच्छर ने काटा है तो जर्म अंदर कितने छोड़े हैं, तो उसी से होता है। तो क्या तरल पदार्थ भी इसमें कामयाब रहते हैं? लिक्विड मैक्सिमम इसमें जो है ना, ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कि पानी की मतलब कमी आ जाती है पेशेंट के अंदर, मैक्सिमम जो दिक्कत आती है वो डिहाइड्रेशन की वजह से ही आती है, तो प्रॉपरली हाइड्रेट करना, उसका मतलब है कि आप पानी ज़्यादा पिए, कोई भी जूसेज जो आपको पसंद की चीज़ें वो लेते रहें ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो पाए। डॉक्टर साहब आपने हमसे इस विषय पर वार्तालाप किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वो तमाम जानकारियाँ थी जिसको पा करके दर्शक जो है कुछ सावधान हो सकते हैं और कुछ जो है इस जानकारी का लाभ पाएंगे, सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो तमाम जानकारियाँ जो अभी डॉक्टर साहब हमें दे रहे थे, उन जानकारियों को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप भी सावधान हो जाइए और अपने शरीर को ज़रूर बचाएं, क्योंकि तमाम बीमारी छोटी हो या बड़ी हो शरीर बेहद ज़रूरी है। तो तमाम जानकारियाँ लगातार हम आपको देते रहेंगे। तो कैथल की जो तमाम बड़ी अपडेट्स होंगी उन्हें जानने के लिए देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी की विशेष रिपोर्ट।